खड़े की है। निश्चित तौर पर उनका कहना है कि आगामी जो 2018 का चुनाव रहेगा उसमें बीजेपी दोहरा सदस्य बनाएगी। कैमरा पर्सन साजिब के साथ राजेश सक्सेना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। निवेशकों का भी इस सेक्टर में तेजी से रुझान बढ़ा है। जयपुर के कारोबारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रियव्रत शर्मा मध्य प्रदेश में इसकी संभावनाएं तलाशने राजधानी भोपाल पहुंचे। उन्होंने न्यूज वर्ल्ड से बातचीत में कहा कि प्रदेश में इस सेक्टर के लिए अनुकूल वातावरण है। तेजी से बदलते बाजार में लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों की तरफ लगातार, चाहे हम प्रदेश सरकार की बात करें चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, इस ओर लगातार काम हो रहे हैं। प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कैसे इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसकी जो संभावनाएं हैं उस तरफ बढ़े। इस समय हमारे बीच में है जयपुर से आए हुए प्रियव्रत शर्मा जी। चूंकि लंबे समय से इस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, काफी विशेषज्ञता उन्होंने इस क्षेत्र में हासिल की है, किस तरह की संभावनाएं बाजार में है और क्या कुछ वो इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रियव्रत जी आपका एक तो स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। सबसे पहले आप इस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, लघु सूक्ष्म मध्यम क्षेत्र की, क्या कुछ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आपने अभी तक देखा और क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में लघु व मध्यम उद्योगों का काफी योगदान है और 45% जो प्रोडक्शन है वो एसएमई इंडस्ट्रीज से आ रहा है और 45% एक्सपोर्ट भी एसएमई इंडस्ट्रीज से हो रहा है। तो एसएमई इंडस्ट्रीज अपने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब उस एसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 2011 में अपने भारत सरकार ने एक कैपिटल मार्केट के लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे कि अपन इमर्ज प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे है और बीएससी में भी एक अलग से एसएमई इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म है। और सरकार चाहती है कि एक इमर्ज इंडस्ट्री के रूप में कैपिटल मार्केट से भी वो फंड रेज करें, जो कि लो कॉस्ट फंडिंग उनको मिलेगी, उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। तो एसएमई इंडस्ट्रीज को कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए उस ओर रुख करना चाहिए। भारत में सबसे पहले हमने, हमारी कंपनी एक वीटो स्विचगियर एंड केबल्स लिमिटेड का आईपीओ लेके आए थे, जो कि फर्स्ट आईपीओ था एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे, सेकेंड था लेकिन हमने प्रोसेस पहले किया था उसको और 2012 में हम लेके आए थे। और उसके फायदे क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एसएमई इंडस्ट्रीज के पास प्रॉब्लम क्या है, फंड्स की है, क्योंकि इंडिया के अंदर भारत के विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाई कॉस्ट फंडिंग ज्यादा रहती है। तो अपन कैपिटल के थ्रू जो पैसा आता है वो ब्याज नहीं देना पड़ता और एक सपोर्ट मिलता है और भारत सरकार उसको कई तरीके से सपोर्ट भी कर रही है, जैसे स्टेट बैंक को नोडल एजेंसी बना करके उसको फंड को पार्टिसिपेट भी करती है। तो इस तरीके से उसमें अपन बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं। तो उसके 6 फायदे मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ कि उसके फायदे क्या है। एक तो आदमी अपने बिजनेस को इवेल्युएट कर लेता है कि बिजनेस का वैल्यूएशन उसका अनलॉक हो जाता है। दूसरा ये है कि एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। आज यदि आप किसी स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपकी कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है, जिससे कि आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक लिस्टेड होने के बाद आपके सप्लायर आप पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, आपको क्रेडिट पीरियड बढ़ जाता है, तो उसको मल्टीपल बेनिफिट्स अपने को मिलते हैं। तीसरा ये है कि आप जैसे किसी को डिमर्ज करना है, किसी कंपनी को, एक सेक्टर को आपको अलग करना है, तो उसका एक वैल्यूएशन करके आप उसको अलग डिमर्ज भी कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन ले सकते हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी भोपाल के विभिन्न इलाकों के मंदिरों में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक मोबाइल, टीवी व सीडी प्लेयर, साउंड सिस्टम सहित कुल 50,000 रुपये कीमत का सामान बरामद किया है। क्राइम ब्रांच एएस